जब उठे ईवीएम पर सवाल तो चुनाव आयोग ने दिया जवाब, कहा जब हारते हैं चुनाव तो साधते हैं निशाना, ईवीएम हैकिंग का करते हैं बहाना। नमस्कार, स्वागत है आपका इन भारत में और मैं हूं आपके साथ कृतिका सूर्यवंशी। देश में राजनीति करने वाले जब कोई चुनाव जीत जाते हैं तो उसे खुद का जनाधार बताते हैं और जब चुनाव हार जाते हैं तो विरोधियों पर ईवीएम हैक कर चुनाव जीतने के आरोप लगाने लगते हैं। राजनीतिक दलों की ओर से उठाए जाने वाले इन सवालों पर मुख्य चुनाव आयुक्त ने नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि अब तक 40 बार सुप्रीम कोर्ट सहित दूसरे न्यायालय ईवीएम जुड़ी ऐसी याचिकाओं को खारिज कर चुके हैं, बावजूद इसके हर चुनाव के बाद ईवीएम पर सवाल खड़े किए जाने लगते हैं। चुनाव मुख्य आयुक्त राजीव कुमार ने शायराना अंदाज में ईवीएम पर सवाल उठाने वालों को जवाब दिया। चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने वोटिंग मशीन के आलोचकों को शायराना अंदाज में जवाब दिया। उन्होंने इस दौरान खुद का लिखा एक शेर कहा, अधूरी हसरतों को इल्जाम हर बार हम पर ही लगाना ठीक नहीं, वफा खुद से नहीं होती और खता ईवीएम की कहते हो और बाद में जब परिणाम आता है तो उस पर भी कायम नहीं रहते हो। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने ईवीएम पर राजनीतिक दलों की ओर से उठाए गए सवालों पर नाराजगी जताई। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट सहित दूसरे न्यायालय ईवीएम से जुड़ी ऐसी याचिकाओं को खारिज कर चुके हैं, बावजूद इसके हर चुनाव के बाद ईवीएम पर सवाल खड़े किया जाना गलत है। उन्होंने कहा इनमें वह दल भी शामिल हैं जो ईवीएम के जरिए चुनाव जीत कर आते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ने राजनीतिक दलों और नेताओं से ईवीएम का सहारा लेकर अपने विरोधियों को बदनाम न करने की नसीहत दी। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने नेताओं के बयानबाजी पर मशहूर शायर बशीर बद्र का एक शेर सुनाया, दुश्मनों के दोबारा दोस्त बनने के मामले आ रहे हैं लेकिन दोस्त बनने पर शर्मिंदा न होने की गुंजाइश होनी चाहिए। बद्र साहब का एक शेर याद आता है, दुश्मनी दुश्मनी जमकर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे, दुश्मनी जम के करो लेकिन ये गुंजाइश रहे, जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो। उन्होंने रहीम का दोहा भी सुनाया, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पर जाए। रहीम ने कहा था, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पर जाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त ने चुनाव के दौरान फर्जी खबरों के प्रसार पर मतदाताओं से आग्रह किया कि वे ऐसी असत्य और गैर जिम्मेदाराना खबरों को साझा न करें। शायराना अंदाज में उन्होंने कहा कि झूठ के बाजार में रौनक तो बहुत है, गोया बुलबुले जैसी तुरंत फट जाती हैं, पकड़ भी लोगे तो क्या हासिल होगा सिवाय धोखे की। झूठ के बाजार में रौनक तो बहुत है, गोया बुलबुले जैसी तुरंत ही फट जाती है, पकड़ भी लोगे तो क्या हासिल होगा सिवाय धोखे के। उनका मतलब था कि झूठ की दुनिया आकर्षक है लेकिन अल्पकालिक है, अगर आप इसे हासिल भी कर लेंगे तो क्या हासिल होगा, सिर्फ धोखा ही हाथ लगेगा। मुख्य चुनाव आयुक्त के जवाब उन नेताओं के लिए थे जो अक्सर अपनी विरोधियों चुनावी प्रक्रिया ईवीएम मशीन पर खुद की हार का ठीकरा फोड़ते हैं।